भारत ने पाकिस्तान को दिया करारा जवाब, कश्मीर हमारा अभिन्न अंग था और रहेगा। पाकिस्तान के हेलीकॉप्टर ने की भारतीय सीमा में घुसपैठ, पीओके के नेता राजा फारूक भी थे सवार, जम्मू कश्मीर के पुंछ सेक्टर में की घुसपैठ की कोशिश। शिवराज कैबिनेट की बैठक आज, 53 अहम प्रस्तावों पर होगी चर्चा, गौ मंत्रालय के प्रस्ताव पर लग सकती है मुहर, मिंटो हॉल की जगह मंत्रालय में होगी बैठक। चुनाव से पहले भाजपा का बड़ा दाव, सपाक्स सहित सभी समाजों को मनाने की कवायद करेंगे शिवराज, रूठों को मनाने समाज के प्रतिनिधियों से करेंगे मुलाकात। भारत का सबसे गरीब जिला बना अलीराजपुर, गरीबी सूचकांक 2018 की रिपोर्ट में हुआ खुलासा, वहीं देश का चौथा गरीब राज्य बना मध्य प्रदेश, बिहार है नंबर वन पर। नमस्कार, मैं हूं शेफाली, आप देख रहे हैं दखल न्यूज। दखल न्यूज में सबसे बड़ी खबर, राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त कंप्यूटर बाबा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। वे संत पुजारी समाज की अनदेखी से नाराज हैं। पहले सुनते हैं कंप्यूटर बाबा ने क्या कहा। त्याग पत्र देने बाबा, महोदय, मैं कंप्यूटर बाबा भारी मन से आपसे अनुरोध कर रहा हूँ कि मैं संत पुजारियों के हित में मठ मंदिर संरक्षण, गौ संरक्षण, नर्मदा संरक्षण के साथ साथ अनेकों धार्मिक कार्यों के लिए अथक प्रयास करने के बावजूद अपनी बात सरकार से मनवाने में नाकाम रहा। अतएव संतों के भारी दबाव के कारण मैं मध्य प्रदेश के संतों को, छोटे से बड़े सारे संतों को मैं बड़े दिल से मानता हूँ, उनके आदेश का पालन करता हूँ। इसलिए मैं अपना त्याग पत्र माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय प्रेषित कर रहा हूँ। इस पूरी खबर पर बात करने के लिए हमारे एडिटर इन चीफ अनुराग उपाध्याय फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अनुराग जी, क्या है पूरी खबर? देखिए, कंप्यूटर बाबा को एक दबाव के चलते जब उन्होंने घोषणा की थी राजनीति में आने से पहले कि मैं नर्मदा में जो कुछ भ्रष्टाचार हुआ उसको उजागर करूंगा, उसके बाद उनको एक दबाव के चलते शिवराज सिंह चौहान जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने राज्यमंत्री का दर्जा दिया था और उनको साधने की कोशिश की थी। आज उन्होंने बहुत छोटा सा एक खत लिख के अपना इस्तीफा सरकार के पास भेज दिया, शिवराज सिंह के पास भेज दिया। उसमें लिखा है कि जो साधु संत हैं, मठ मंदिरों के पुजारी हैं, तो साधु संतों की, पुजारियों की और मठ मंदिरों की जो अनदेखी सरकार कर रही है उसके कारण मेरे ऊपर बहुत दबाव है और मैं अपने पद से त्याग पत्र दे रहा हूं। तो एक सोची समझी रणनीति के तहत शिवराज सिंह ने काम किया था और सोची समझी रणनीति के तहत कंप्यूटर बाबा काम कर रहे हैं। उनको राजनीति से कोई लेना देना नहीं था, वो अपनी दुकान चमकाने आए थे और जब उनको लगा कि उनके ऊपर उनके साथ के लोग हैं, उनका प्रेशर है, ऐसे में सपाक्स के कारण भी जो सवर्ण वर्ग है उसका भी बहुत प्रेशर कंप्यूटर बाबा पे था, कई तरह के दबावों को वो झेल रहे थे और उन्हें लगा कि अब उनकी दाल ज्यादा गलेगी नहीं, वही स्थिति होगी के ना मिला विशाले से, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, तो इन कारणों से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। और अभी तो राजनीति मध्य प्रदेश की गरमाएगी, चुनाव का मौसम है, कई सारी नई पुरानी चीजें होंगी, तो कंप्यूटर बाबा को लेके भी कई सारी चीजें सामने आएंगी क्योंकि वो सरकार के खिलाफ अगर खड़े होते हैं तो सरकार उनकी पुल पट्टियां खोलेगी या बाबा सरकार की खोलेंगे। बड़ा रोचक सा मामला बनता जा रहा है और देखना होगा कि ये जो बाबा और सरकार वर्सेज जो झगड़ा है ये भी अपने चरम पे पहुंचेगा। जी अनुराग, कहा तो ये भी जा रहा था कि आगामी विधानसभा चुनाव में बाबा को टिकट देना शिवराज की मजबूरी हो सकती है। कंप्यूटर बाबा कोई बहुत बड़े आध्यात्मिक संत नहीं है लेकिन पॉलिटिकल आदमी जरूर रहे हैं, कभी ये कांग्रेस से जुड़ जाते हैं, इस समय बीजेपी से जुड़ गए थे, मौका परस्त टाइप के व्यक्ति हैं और इनसे ये उम्मीद थी कि ये ऐसा कुछ करेंगे। दबाव अपनी जगह है, उनको लग गया होगा कि वो टिकट मांग रहे थे, उनको टिकट नहीं मिल पाएगा, तमाम सारी चीजें उन्होंने आकलन किया होगा, उसके बाद अपना इस्तीफा दिया है। तो मुझे लगता नहीं है कि इस तरह से कोई सन्यासी या कोई बाबा राजनीति में एकदम आ जाए और उसकी दुकान राजनीति में चल पाए, बहुत संभव नहीं होता। राजनेता राजनीति करने के लिए, ये धर्म क्षेत्र में काम करते रहते तो इनकी ख्याति ज्यादा होती। बिल्कुल, शुक्रिया अनुराग। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले मध्य प्रदेश के जिलों की संख्या 51 से बढ़कर 52 हो गई है। टीकमगढ़ से अलग होकर निवाड़ी प्रदेश का 52वां जिला बन गया है। निवाड़ी प्रदेश का सबसे छोटा जिला है जिसमें पृथ्वीपुर, ओरछा और निवाड़ी तहसील शामिल है। शिवराज सरकार ने अब तक प्रदेश में 5 जिले बनाए हैं जिसमें अनूपपुर,
आगरमालवा, रतलाम, हरदा और निवाड़ी शामिल हैं। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में यह कैबिनेट की बैठक में निवाड़ी को जिला बनाने में प्रस्ताव पर मुहर लगाई गई थी। पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान मुख्यमंत्री ने निवाड़ी को जिला बनाने की घोषणा की थी। सीएम की घोषणा के बाद राजस्व विभाग के अपर सचिव ने 29 अगस्त 2016 को जिला प्रशासन से प्रस्ताव मांगा था। इसके बाद से ही यह कवायद चल रही थी और आज से निवाड़ी एक नए जिले के रूप में जाना जाएगा। देश की हर सूची में नाम दर्ज करवाने वाले मध्य प्रदेश का नाम इस बार देश के सबसे गरीब राज्य में चौथे नंबर पर आया है। विधानसभा चुनाव से पहले आई इस रिपोर्ट से भाजपा सरकार के लिए परेशानी खड़ी हो गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार ये घोषणा करते रहते हैं कि उन्होंने एमपी को बीमारू राज्य से विकासशील राज्य बनाया है। ऐसे में सरकार के इस दावे की पोल वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2018 की रिपोर्ट ने खोल दी है। रिपोर्ट के अनुसार देश का सबसे गरीब एमपी का जिला अलीराजपुर है। गरीबी सूचकांक की रिपोर्ट 10 मानकों के आधार पर रिपोर्ट तैयार की गई है। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर, पोषण, बाल मृत्यु दर, स्वच्छ पानी तक पहुंच, खाना पकाने के ईंधन, स्वच्छता, बिजली, आवास और संपत्ति शामिल हैं। यह रिपोर्ट 2015-16 के डेटा के आधार पर तैयार की गई है। इसमें बिहार को सबसे गरीब बताया गया है। इसके बाद झारखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश है। सापाक्स के संरक्षक हीरालाल त्रिवेदी ने रैली में बड़ी घोषणा की, जिससे बीजेपी कांग्रेस दोनों ही दलों में खलबली मच गई है। त्रिवेदी ने कहा कि आगामी 2 अक्टूबर को सापाक्स पार्टी के गठन की औपचारिक घोषणा की जाएगी। सापाक्स पार्टी ने 230 सभी विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने की बात कही है। आगे कहा कि हमारा मुख्य उद्देश्य है कि आरक्षण को खत्म किया जाए। सापाक्स ने इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के संशोधन और आरक्षण के विरोध में राजधानी भोपाल के कलियासोत डैम मैदान में महाक्रांति रैली का आयोजन किया था। सापाक्स की इस महाक्रांति रैली में सवर्ण समाज के लगभग 70 से ज्यादा समुदाय ने समर्थन दिया और लाखों की भीड़ में मैदान में एकत्रित होकर विरोध के साथ दिया। बता दें कि रैली के समर्थन में करणी सेना, ब्राह्मण सभा, परशुराम सेना, क्षत्रिय महासभा, राजपूत सेना सहित कई संगठन के समर्थन प्राप्त हुए। सपाक्स के हीरालाल त्रिवेदी ने सभी पार्टियों पर तंज कसते हुए कहा कि आरक्षण और इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में सवर्ण जातियों को निशाना बनाया जा रहा है। त्रिवेदी ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि सापाक्स मध्य प्रदेश में सभी 230 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। लगभग 51 जिलों से आए सापाक्स के कार्यकर्ताओं ने सापाक्स और हम हैं माई के लाल की टोपी पहनकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के आरक्षण पर दिए बयानों का विरोध दर्ज कराया। त्रिवेदी ने सरकार की व्यवस्था पर यह कहकर सवालिया निशान खड़ा किया कि जन्म से लेकर मरने तक आरक्षण की व्यवस्था कहां तक सही है। वहीं राजपूत करणी सेना के प्रमुख लोकेंद्र सिंह कालवी ने सरकार पर तीखे प्रहार करते हुए कहा कि जो सवर्णों की बात नहीं करेगा वो सत्ता पर राज नहीं करेगा। जातिगत आरक्षण और एक्ट्रोसिटी एक्ट के खिलाफ मैदान खचाखच भरा रहा। वहीं कुछ संगठन के लोगों ने काले कपड़े पहनकर भी विरोध का समर्थन किया। वहीं दूसरी ओर सरकार ने जैमर लगाकर इंटरनेट सेवा ठप की। बताया जा रहा है कि लगभग 17 ट्रेनों का रूट बदला गया। जगह जगह बसें रोकी गई ताकि सापाक्स कार्यकर्ता महाक्रांति रैली में शामिल ना हो सके। सापाक्स का कहना है कि सरकार की इतनी गतिरोधों के बावजूद सापाक्स के कार्यकर्ता हजारों की तादाद में अपने खुद के वाहन और खर्चों पर रैली में पहुंचे। यह सपक्ष का प्रोग्राम भोपाल में हो रहा है, ये SC ST कानून के विरोध में हो रहा है, उनकी धाराओं में IPC में चेंज किया जाए। हमें ऐसा कानून नहीं चाहिए, बगैर जांच के गिरफ्तारियों और आर्थिक आधार पर आरक्षण के लिए लड़ रहे हैं। दलित हमारे पहले भी भाई थे, आगे भी हैं। दलितों से हमें कोई बैर नहीं, पर केंद्र सरकार वोट बैंक के लिए भाई से भाई को लड़ा रहे हैं, इसका विरोध करते हैं। आज हम सब लोग सपक्ष के सारे साधारण कार्यकर्ता ही कहें, जिस विरोध के स्वरूप हम लोग इकट्ठे हुए हैं, आज उस विरोध का आपने पूरा साक्षात देखा है। यह एक ऐसी लड़ाई है जो पढ़े लिखे लोगों द्वारा सही व्यवस्थित रूप से लड़ी जा रही है। आपने ऐसा आंदोलन
और ऐसा आगमन शायद ही कभी देखा होगा। आज देखिए आरक्षण के विरोध में पूरा समाज, पूरा सपक्ष समाज कितने सादगीपूर्ण ढंग से यहाँ पे इकट्ठा हुआ है और अपना विरोध के साथ साथ यह बताने की कोशिश कर रहा है कि कृपया करके कैसे भी करके आप किसी के लिए किसी को दुखी नहीं कर सकते। इसलिए मेरा सरकार से निवेदन है कि बिल्कुल आप ध्यान रखें, किसी भी सवर्ण को केवल इसलिए दुखी ना करें कि वो सवर्ण है। इस वक्त हम मौजूद हैं कलिया सेठ मैदान पर, जहां सपाक्स की भीड़ देखने को मिल रही, काफी संख्या में भीड़ है। भाई हम बात करते हैं सपाक्स के कार्यकर्ताओं से। जी क्या कहना है आपका, किस लिए आज जो सपाक्स का क्रांति रैली और सभा का आयोजन भोपाल में किया गया है, इसमें पूरे प्रदेश से लाखों सपाक्स के कार्यकर्ता और हमारे सपाक्स के सक्रिय प्रदेश के कोने कोने से यहाँ एकत्रित हुए हैं, जिसमें हमारे इंदौर संभाग से हम लोग पूरा सातों जिलों से यहाँ कम से कम 50,000 के करीब लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। मध्य प्रदेश शासन तथा केंद्र शासन के द्वारा जो एट्रोसिटी एक्ट में परिवर्तन किया गया, साथ ही प्रमोशन में आरक्षण का जो मुद्दा हमारा वर्षों से चल रहा था, उस मुद्दे को उनके द्वारा निराकृत न करते हुए सुप्रीम कोर्ट और इसमें उलझाने के कारण आज पूरे प्रदेश में सवर्ण, अल्पसंख्यक एवं पिछड़े वर्ग के लोग प्रताड़ित है। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा अभी तक इसका निराकरण नहीं किया गया है, वही आक्रोश के रूप में यह प्रकट हो रहा है। यदि इसका समय रहते ध्यान नहीं दिया तो आगामी चुनाव में उनको परिणाम भुगतना होगा। कहा जा रहा है कि सपक्ष के कार्यकर्ताओं को रोका भी जा रहा है, लोगों की गाड़ियां नहीं आ रही। बिल्कुल रोका जा रहा है, एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत हमारे कार्यकर्ता जो रेल के द्वारा आ रहे थे, 17 ट्रेनें रद्द कर दी गई है, रास्ते में भी उनको रोकने का प्रयास किया जा रहा है, उसके बाद भी लोग रास्ता बदल करके यहाँ पहुँच रहे हैं। ये थे हमारे साथ सपाक्स के कार्यकर्ता, जिन्होंने आरोप लगाया मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के ऊपर कि उनकी गाड़ियां रोकी जा रही है और एट्रोसिटी एक्ट और प्रमोशन में आरक्षण को लेकर जो भी बंदिशें लगाई जा रही हैं वो गलत है। कैमरामैन तरुण यादव के साथ सत्यम शर्मा, दखल न्यूज भोपाल। भोपाल में मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम ने ऐतिहासिक मिंटो हॉल को कन्वेक्शन सेंटर के रूप में विकसित किया है। इस हॉल में नए स्वरूप का मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लोकार्पण करेंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता विधानसभा अध्यक्ष डॉ. सीता सरन शर्मा करेंगे। कार्यक्रम में मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष, पर्यटन व सांस्कृतिक मंत्री के अलावा अन्य 3 मंत्री, 5 विधायक, सांसद व महापौर उपस्थित रहेंगे। मिंटो हॉल को 64,54,00,000 रुपए की लागत से रेनोवेट किया गया है। इस मिंटो हॉल में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मानकों के अनुसार HBC ऑडियो वीडियो सिस्टम, बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम और फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स स्थापित किए गए हैं। मिंटो हॉल में रूफ टॉप पर एक रेस्तरा और कला विथिका का निर्माण किया गया है। मिंटो हॉल के फ्रंट एरिया का प्लांटेशन कर भव्यता के साथ लैंडस्केप और पार्किंग विकसित की गई है। मध्य प्रदेश में गौ मंत्रालय की घोषणा पर स्वामी अखिलेश्वर नंद महाराज ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का आभार जताया है। स्वामी अखिलेश्वरानंद ने ट्वीट कर कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश में गौवंश संरक्षण और संवर्धन के लिए गौ मंत्रालय की घोषणा की है, जो समाज के लिए अनोखी पहल है। इसका हम सभी स्वागत करते हैं। बता दें कि छतरपुर जिले के खजुराहो में आचार्य श्री विद्यासागर जीव दया सम्मान समारोह में शिवराज सिंह चौहान ने गौवंश संरक्षण और संवर्धन के लिए गौ मंत्रालय की स्थापना करने की घोषणा की थी और कैबिनेट की बैठक में इस पर मुहर लगाने की भी उम्मीद है। सीडी कांड मामले में जेल से जमानत पर रिहा हुए छत्तीसगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष भूपेश बघेल की अचानक तबीयत खराब हो गई। कहा जा रहा है कि उनके जेल से छूटने के बाद उनके कार्यकर्ताओं का अति उत्साह और बघेल की बयानबाजी आलाकमान को नागवार गुजरी, जिसकी भनक लगते ही बघेल की तबीयत नासाज हो गई। हमारे छत्तीसगढ़ संवाददाता संजीव पचौरी ने बताया कि बघेल को भर्ती हुए दूसरा दिन है और अब उनकी तबीयत में सुधार हो रहा है। अस्पताल प्रशासन की माने तो भूपेश बघेल को कल हॉस्पिटल से छुट्टी भी मिल जाएगी। सीडी कांड में सीबीआई द्वारा आरोपी बनाए गए भूपेश बघेल ने दिल्ली हाईकमान की जबरदस्त नाराजगी झेली। सीडी कांड में जमानत के बाद राजनीतिक क्षतिपूर्ति के मद्देनजर भूपेश बघेल ने पूरे प्रदेश में आभार यात्रा निकाली, जिसमें जेल यात्रा के दौरान कांग्रेसियों के मिले समर्थन के प्रति आभार व्यक्त करना चाहते थे। यह यात्रा एक ओर अपनी राजनीतिक
क्षतिपूर्ति का प्रयास तो था ही, साथ ही दिल्ली हाईकमान को अपनी क्षमता दिखाने की कोशिश भी थी। कहा जाता है कि कांकेर में भूपेश की तबीयत खराब हुई थी और अगले दिन कोंडागांव पहुंचते ही उनका बीपी लो हो गया। यूं तो बीपी लो का इलाज कोंडागांव में भी संभव था, मगर उन्हें रायपुर रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल में ले जाया गया। क्या है पूरी खबर, छत्तीसगढ़ से संवाददाता संजीव पचौरी से फोन पर बात करते हैं। संजीव, क्या है पूरी खबर? दरअसल ये जो कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं मिस्टर भूपेश बघेल जी, इन्होंने एक यात्रा निकाली थी जिसको आभार यात्रा का नाम दिया गया था। जो जब वो जेल में थे तो जो कांग्रेस के लोग ने उनको समर्थन किया था उसके लिए आभार व्यक्त करना चाहते थे वो जी। और उस आभार यात्रा के दौरान कोंडागांव में उनकी तबीयत खराब हुई है, बीपी लो हुआ उनका, तबीयत खराब हुई है। इसके बाद वो रायपुर के रामकृष्ण केयर अस्पताल उनको भेजा गया है जी। सिर्फ बीपी लो होने की बीमारी थी तो उसका इलाज तो कोंडागांव में भी संभव था पचौरी जी? जी हाँ, ये बात सही है कि बीपी लो की जो शिकायत है कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं थी, कोंडागांव में इलाज संभव था। और इसके कई राजनीतिक भी मतलब निकाले जा रहे हैं। दरअसल जब से ये जब सीडी कांड हुआ है और सीडी कांड होने के बाद में भूपेश बघेल जी ने जमानत न लेने की बात कही है जी, तो कहीं ना कहीं हाईकमान, कांग्रेस हाईकमान इस बात से नाराज था कि चुनाव के समय आपको ये निर्णय करने की क्या जरूरत थी कि आप जेल में ही रहेंगे, आप जमानत नहीं लेंगे, जबकि बाकी लोग जमानत हो चुकी थी जी। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस हाईकमान का दबाव था इस बात के लिए, इसी दबाव के चलते उनको जमानत के लिए अर्जी देनी पड़ी, जमानत लेनी पड़ी जी। और जो राजनीतिक बहुत बड़ी क्षति हुई थी उनके व्यक्तित्व को, उसकी पूर्ति के लिए उन्होंने एक आभार रैली निकाली, उन्होंने आभार सभा। संजीव, आभार व्यक्त करने के लिए रैली निकालना क्या बहुत जरूरी था बघेल को? अब देखिए, राजनीति है और राजनीति में अपन नैतिकता और नैतिक पक्ष की बात तो नहीं की जा सकती आज के परिप्रेक्ष्य में जी। तो ये कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के ऊपर, हाईकमान के ऊपर दबाव बनाने की बात नहीं की जा सकती है, इसको उस ढंग से भी लिया जा सकता है। अथवा जो एक राजनीतिक तौर पर क्षति हुई, उनकी एक छवि खराब हुई, उसके दृष्टि से, उसकी खानापूर्ति की दृष्टि से भी, क्षतिपूर्ति की दृष्टि से भी इसको समझा जा सकता है जी। और चूंकि वो छत्तीसगढ़ में ये मानते थे लोग के कांग्रेस अगर जीतती है तो भूपेश बघेल सीएम होंगे, तो वो एक जो संभावना थी वो लगभग खत्म हो चुकी है जी। तो इसकी क्षतिपूर्ति और हानि की पूर्ति के लिए भी आभार रैली वगैरह जी कह सकते हैं हम। बिल्कुल, शुक्रिया संजीव। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए दखल न्यूज, दखल आपके हक में।